हाँ हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर जितेंद्र। आज हम आप लोग को पहला प्रैक्टिस सेट लाने जा रहे हैं, जो सारे एग्ज़ामों से पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे TGT, PGT, NEET, GIC, KBS, NBS, UPPSC, UPPCS, सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं बायोलॉजी के, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैंने लिया है टैक्सोनॉमी का। तो इसको हम क्वेश्चन को करेंगे, 100% चांस है कि कोई भी बायोलॉजी का आप एग्ज़ाम दो इनमें से तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिलेंगे आपसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल बायनोमिकल सिस्टम ऑफ कैरोलस लिनियस वाज डिवाइड ऑफ, जो कैरोलस लिनियस ने बायनोमिकल नोमनक्लेचर दिया था उसमें कौन सी चीज़ नहीं इन्वॉल्व थी। तो उसमें जीनस स्पीसीज इन्वॉल्व था, क्योंकि बायनोमियल नोमनक्लेचर में जीनस और स्पीसीज, जेनरिक नेम और स्पीसीज स्पेसिफिक नेम को ही क्लेरिफाई किया गया है। ठीक है, और क्लास बायनोमियल नोमेनक्लेचर बता रहा था, उसमें जीनस स्पीसीज से स्टार्ट हुई थी, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, साइंटिफिक नेमिंग जो नामकरण दिया जाता है उसी के थ्रू। उसमें फाइलम और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो बायनोमियल सिस्टम लिनियस द्वारा में इसका जिक्र नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा फाइलम और फैमिली। फिर है सेकेंड क्वेश्चन, ए एमनियोटा ग्रुप इन्वॉल्व। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं, TGT में 3 बार पूछ चुका है, नीट में पूछ चुका है, आपका PGT में 2 बार पूछ चुका है, अलग अलग लैंग्वेज में पूछता है। इसका मतलब है एमनियोटा ग्रुप, एमनियोटा ग्रुप को एमनियोटा एक लेयर होती है जो एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर पाई जाती है, जो बर्ड्स के केस में, रेप्टाइल्स के केस में और आपका वर्टिब्रेट जो है, प्राइमेट्स हैं, मैमल्स, स्तनधारी, इनमें पाई जाती है। जैसे हमारा जो प्रोजेनी में बच्चा डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एक एमनियोटिक फ्लूइड में, ये देखिए एम्ब्रियो जैसे ये डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये एम्ब्रियो कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड पाई जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड ये लेयर होती है एमनियोन की, और यहाँ पे आपका पाया जाता है कोरियोन, और ये बाहर कोरियोन से सबसे बाहर वाला लेयर पाया जाता है एलेंटॉय। ठीक है, तो जिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियो में एमनियोन पाया जाए, कोरियोन, एलेंटॉय, वो सब एमनियोटा में आते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है वो एन एमनियोटा में आते हैं। जैसे फिश के केस में, आपका एम्फीबियंस के केस में एमनियोन, ये एमनियोटिक फ्लूड नहीं पाया जाता, ये सब एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। प्लस यहाँ एम्ब्रियो सैक और एल्बुमिन पाया जाता है, जो योक पाई जाती है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एम्ब्रियोटा ग्रुप में कौन कौन आते हैं, तो एम्ब्रियोटा ग्रुप में आपके आपके रेप्टाइल्स आते हैं, एप्स मतलब बर्ड्स आती हैं, और मैमल्स आते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, अब थर्ड क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड बाय विटेकर इन विच किंगडम। प्रोकैरियोट आर विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ये मैंने क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें पहला था मोनीरा, दूसरा था प्रोटिस्ता, तीसरा था फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमिलिया। तो प्रोटोजोअन्स आते हैं किसमें, प्रोटोजोअन्स नहीं पूछा है, इसमें पूछा है प्रोकैरियोट। तो मोनेरा को मैंने बताया था, सिर्फ एक ही ग्रुप है जो प्रोकैरियोट है, जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्सेंट होते हैं और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनल्स ऑब्सेंट होती हैं, तो वो प्रोकैरियोट कहलाते हैं। वो किसमें आती हैं, सिर्फ मोनेरा ग्रुप, मतलब बैक्टीरिया ग्रुप, मोनेरा ग्रुप में आते हैं। तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म विटेकर द्वारा रखे किसमें गए थे, मोनेरा में रखे गए थे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में है कंसर्न्ड विथ ए नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो नॉमनक्लेचर दिए थे वो कंसेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ था, पहला है विटेकर, दूसरा है स्ट्रिकलैंड। विटेकर ने नॉमनक्लेचर में तो कैरोलस लिनियस का इन्वॉल्वमेंट था, विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तो एक स्ट्रिकलैंड लिनियस से पहले ही कुछ काम किए थे जो नामकरण के नॉमनक्लेचर से रिलेटेड, उसको स्ट्रिकलैंड कोड भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रिकलैंड कोड जब लिनियस ने बायनोमियल नॉमनक्लेचर दिया था, कुछ रेफरेंस जो है स्ट्रिकलैंड कोड से लिया था, तो इसमें आंसर है जो नॉमनक्लेचर से कंसर्न करते हैं केवल बी वाले, मतलब स्ट्रिकलैंड इन्वॉल्व होते हैं।
फिर पांचवा क्वेश्चन पाते हैं, इन फाइव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो पांच सिस्टम आर विटाकर ने दिया था, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई, उसमें प्रोटोजोन्स किस में आते हैं? तो प्रोटोजोन्स किस में आते हैं? प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होती है वो तो आती है मोनेरा में, प्रोटोजोन्स आते हैं आपके प्रोटिस्टा में, ठीक है। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है इसमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है और यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोटोजोन्स जो विटाकर के हिसाब से फाइव किंगडम में प्रोटिस्टा में आते हैं। अब ये हाइएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की हाइएस्ट कैटेगरी कौन होती है? सबसे बड़ी कैटेगरी टैक्सोनॉमिक, सबसे बड़ी कैटेगरी आपकी किंगडम होती है। ये आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ, टैक्सोनॉमी हायरार्की में सबसे बड़ा किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम या प्लांट के केस में डिवीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास आता है, फिर आपका ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पूछा है तो किंगडम आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए माइकोप्लाज्मा, सातवां क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू विच किंगडम? तो माइकोप्लाज्मा मैंने पढ़ाया था कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन है, मैंने सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? माइकोप्लाज्मा। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती इसलिए अपना शेप चेंज करते हैं, इसको प्लियोट्रॉफिज्म भी कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछता है प्लियोट्रॉफिज्म सोन बाई विच ऑर्गेनिज्म? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, तो प्रोकैरियोट किस में आते हैं? प्रोकैरियोट सारे मोनेरा ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा किस में है? मोनेरा ग्रुप में है। अब आ जाइए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाई, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको पता भी है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहली बार दिए थे कैरोलस लिनियस साहब ने, ठीक है। जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, माने जीनस और स्पीसीज नाम देते हैं, वो जीनस को जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और स्पीसीज को स्मॉल लेटर से। ये सब वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का लिनियस, ठीक है। उसके बाद है एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर, ठीक है। जो माउथ डेवलपमेंट होती है अगर डायरेक्ट ब्लास्टोपोर से हो, मतलब जिधर ब्लास्टोपोर है उधर ही माउथ का डेवलपमेंट हो, तो उसको कहते हैं प्रोटोस्टोमिनिया। तो ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं, लेकिन जो ड्यूट्रोस्टोमिया है अपोजिट, जिधर ब्लास्टोमियर होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके अपोजिट साइड में माउथ का डेवलपमेंट होता है, तो उसको ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। उसमें सारे वर्टिब्रेट और इकानोडर्म्स आते हैं, वर्टिब्रेट मतलब उसमें हम भी आते हैं, माने ह्यूमन भी आते हैं आपके ड्यूट्रोस्टोमिया में, जब अपोजिट टू ब्लास्टोस्पोर। फिर दसवां क्वेश्चन है द टर्म बायोलॉजी इंट्रोड्यूस बाय, बायोलॉजी टर्म पहली बार किसने दिया था? फ्रेंड बायोलॉजी टर्म पहली बार दिए थे आपके लेमार्क साहब ने, ठीक है। किसने दिए थे बायोलॉजी टर्म पहली बार? पहली बार बायोलॉजी टर्म देने वाले कौन साइंटिस्ट थे? पहली बार बायोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट थे आपके लेमार्क थे, ठीक है। लेमार्क पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया। उसके बाद क्वेश्चन है हर्बिवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, जो हर्बिवोरस सी मैमल हैं, कहाँ गया क्वेश्चन? हर्बिवोरस मतलब शाकाहारी समुद्री स्तनधारी एनिमल किस ऑर्डर में आते हैं? तो इसका आंसर याद कर लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर होता है सेरेनिया, सेरेनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हर्बिवोरस सी मैमल हैं इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल पाए जाते हैं, जैसे आपका सी काऊ, मैनिटिया और डंगोंग। जिसमें सी काऊ एक बार पूछ चुका है, सी काऊ कौन से ऑर्डर में है? अगर सी काऊ पूछेगा सेरेनिया है, हर्बिवोरस सी मैमल्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्रोटोस्पोंजिया, प्रोटोस्पोंजिया जो है कौन से सब क्लास में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका आगे जब प्रोटोजोआ क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन डिटेल में बताया गया है कि ये कौन सी क्लास में, सब क्लास में आते हैं, तो इसका सब क्लास है ज्यूमास्टिगोफोरा, ठीक है। प्रोटोस्पोंजिया आते हैं आपके ज्यूमास्टिगोफोरा में। उसके बाद दी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है ये डार्विन द्वारा, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी, और कभी कभी राइटर भी पूछ देता है, तो चार्ल्स डार्विन लिखा था पहली बार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की ओरिजिन के बारे में। ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी 1859 में, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद आते हैं करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट इस, माने ये सीक्वेंस आपको में अरेंज करना है कि कौन सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद कौन सी है, ठीक है फ्रेंड। इसको हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं, क्योंकि जो पहले था, ठीक है,
नंबर 14 बताने जा रहा था, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सीक्वेंस में अरेंज कैसे करेंगे, स्मॉल पहले रहेगा फिर लार्ज, मतलब स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड एक मैं पूरा ही बना दे रहा हूँ क्योंकि इसमें चार ही दिया है, पांच वेराइटी दी हुई है, तो ये आप लोग याद रखना क्योंकि कुछ पहले नहीं थे अब ऐड हुए हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है हेयरची की वो है ये आपका टेक्सोनॉमिकल हेयरची है, सबसे स्मॉलेस्ट वेराइटी है, ठीक है। वेराइटी के ऊपर सब स्पीसीज आती है, फिर स्पीसीज आती है, फिर जीनस आती है, फिर ट्राइब आते हैं, ठीक है। ट्राइब ये याद रखना, जीनस के ऊपर ट्राइब, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न या फाइलम। एनिमल के केस में फाइलम यूज करते हैं, प्लांट के केस में डिवीज़न यूज करते हैं, फिर किंगडम है। तो इधर से याद करेंगे तो किंगडम, फाइलम या डिवीज़न, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर ट्राइब, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, फिर सब स्पीसीज, फिर वेराइटी, ठीक है। ये तीन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो अक्सर किताबों में नहीं देता है, तो अगर क्वेश्चन को टफ करना हो तो पूछ लेगा ट्राइब किसके बाद आते हैं। तो ट्राइब जो है, ट्राइब के ऊपर फैमिली आती है, ट्राइब के नीचे जीनस आता है। वैरायटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, नॉर्मली स्पीसीज को ही हम मानते हैं स्मॉलेस्ट, लेकिन उसका भी नीचे कैटेगराइजेशन किया गया है, स्पीसीज से सब स्पीसीज फिर वैरायटी है, ठीक है। अब इसके हिसाब से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपका पहले ही हो जाएगा। वैरायटी मतलब स्मॉलेस्ट शुरू करना है तो पहले वैरायटी आएगी, फिर जो है आपका सेकंड नंबर फैमिली आएगी, नहीं पहले वैरायटी आएगी, सबसे छोटी यूनिट नहीं, पहले जीनस, एक मिनट, सबसे छोटी यूनिट वैरायटी है, वैरायटी के ऊपर सब स्पीसीज बताए थे, सब स्पीसीज में है नहीं तो स्पीसीज आएगी, वैरायटी पांचवा नंबर, फिर तीसरा स्पीसीज आएगी, स्पीसीज के ऊपर हमने बताया था जीनस आएगा, तो जीनस पहला नंबर आएगा, जीनस के ऊपर आपका अगर ट्राइब दिया हो तो ट्राइब आती, ट्राइब नहीं दिया है तो फैमिली आएगी, फैमिली सेकेंड नंबर, फैमिली के ऊपर जो है आपका क्या आएगा, फैमिली के ऊपर आपका आएगा ये ऑर्डर आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आप टेबल याद कर लेना एक सीरीज में, तो आपका इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी ने किसी फॉर्म में जो है ये देता ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में दिया है विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, तो मैंने बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो भी जीनस नेम, स्पीसीज नेम या जितने भी नाम दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम जो है नाम लैटिन वर्ड से ही लिए गए हैं। तो इसमें पोरीफेरा भी लैटिन वर्ड है, आपका एनिलिडा भी लैटिन वर्ड है और मोलस्क भी लैटिन वर्ड है। पोरीफेरा मत को लैटिन वर्ड में जो मीनिंग आती है इसका होता है पोर बियरिंग एनिमल, तो इसमें पोर पाए जाते हैं। एनिलिडा में सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टर इसमें से सभी जो है ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा कि सभी ड्राइव्ड होते हैं लैटिन वर्ड से। फिर ए पर्सन हु फर्स्ट टाइम रिकोगनाइज इंपॉर्टेंस ऑफ फोसिल एज ए एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, माने जैव विकास में पहली बार जो है रिकोगनाइज किया गया फोसिल। फोसिल मतलब जो पहले कार्बनिक फॉर्म में अभी प्रेजेंट हैं जैसे माना जाता है, वो लिविंग का एविडेंस देते हैं। पहली बार किसने रिकोगनाइज किया था, तो पहली बार रिकोगनाइज किए थे जॉर्ज कोवियर ने, जॉर्ज कोवियर को, ठीक है, जॉर्ज क्यूवियर ने फॉसिल के बारे में स्टडी किया था। इनको कहा भी जाता है फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी। पेलियंटोलॉजी किसका होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल लिविंग फॉसिल को स्टडी को पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। इनके जनक थे जॉर्ज कुरियो जो पहली बार साइंटिफिक रिकॉग्नाइज किए थे फॉसिल का ऐसे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, ए प्लेसिया बिलोंग्स टू क्लास, ए प्लेसिया कौन से क्लास में, क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एप्लेसिया, एप्लेसिया बिलोंग्स टू गैस्ट्रोपोडा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्लेसिया
डॉल्फिन है, ऑक्टोपस, यूनियो। क्या फ्रेंड्स, तो इसका हम सारे का एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे आपका एप्लेसिया, एप्लेसिया ऑर्टी है कौन से क्लास में, गैस्ट्रोपोडा में, ठीक है। बाकी तीन के भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल होते हैं, आप याद रखना। जैसे एप्लेसिया आती है किस में, गैस्ट्रोपोडा में, गैस्ट्रोपोडा में। वैसे ही ऑक्टोपस, ऑक्टोपस अक्सर पूछता है किस क्लास में आती है, ऑक्टोपस आती है आपकी सिफेलोपोडा में, सिफेलोपोडा में, ठीक है। उसके बाद आपका यूनियो पूछता है कौन से क्लास में आती है, तो यूनियो आती है बाइवल्विया में, बाइवल्विया, ठीक है। काइटॉन बहुत बार पूछ चुका है एग्जामों में, काइटॉन आती है एम्फीन्यूरिया में, एम्फीन्यूरिया में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, एप्लेसी आती है गैस्ट्रोपोडा में, ऑक्टोपस आती है सिफेलोपोडा में, यूनियो आती है क्लास बाइवाल्विया में, काइटॉन आती है एम्फीन्यूरिया में। जो अभी क्वेश्चन पूछा है, एप्लेसिया, एप्लाइसिया जो है आती है गैस्ट्रोपोडा में। ओके फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 18 में क्या है, लीनियस जो है कैरोलस लीनियस पब्लिश्ड हिज कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो कौन से बुक में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। तो ये थी इनकी स्पेसिस प्लांटेरम। आपको इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें, जो ये चारों बुक हैं ये कैरोलस लीनियस द्वारा ही लिखी गई है। जैसे सिस्टमा नेचुरी लिखी गई है वो भी लीनियस द्वारा ही, स्पीसीज प्लांटेरम भी लीनियस द्वारा लिखी गई है, जेनेरा प्लांटेरम भी लीनियस द्वारा लिखी गई है, और फिलोसफिया बॉटनिका भी लीनियस द्वारा लिखी गई। जो सिस्टमा नेचुरिलिस है ये आपकी आई थी, ये आपका प्रोनोमियल सिस्टम दिया था एनिमल के बारे में, सिस्टमा नेचुरलिस में, ये 1758 में आई थी। स्पीसीज प्लांटेरम जो है ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में लिखे थे, कंसेप्ट था स्पीसीज प्लांटेरम, और ये आई थी 1753 में, और जेनरा प्लांटेरम भी 1753 में, दोनों सात बुक आई थी, लेकिन जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था कंसेप्ट वो स्पीसीज प्लांटेरम में दिया गया था। फिलोसफिया बॉटनिका जो है इसमें जो है डिस्क्रिप्शन किया गया था प्लांट की डिस्क्रिप्शन दिए गए थे सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो ये चारों बुक लीनियस द्वारा लिखी गई थी, लेकिन अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूछेगा तो स्पीसीज प्लांटेरम याद रखना, स्पीसीज प्लांटेरम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, द वर्ड स्पीसीज, पहली बार स्पीसीज वर्ड किसने क्वाइंड किया था, तो वो थे आपके जॉन रे साहब ने, ठीक है। जॉन रे के बारे में एक दो पॉइंट और लिख लीजिए, जॉन रे, जॉन टर्म दिया था जॉन रे ने, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफ्रेंशिएट भी किया था, मोनोकॉट एंड डाइकॉट में डिफ्रेंशिएट किया था, और स्पीसीज में क्रॉस करके अपनी प्रोजेनी डेवलप करती हैं, तो एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी इन्होंने कंसेप्ट दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसके बाद इसमें जो है हक्सले ने इनको सपोर्ट किया था। उसके बाद आ जाइए जॉन रे जान गए, स्पीसीज टर्म दिए थे, फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल टू एक्सिबिट बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल सीधा सीधा कट करेंगे तो दो हाफ में डिवाइड हो जाए, और दोनों हाफ जो है एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, मतलब फोटोकॉपी हो। जैसे ये हम कोई मानव बना दिए, ठीक है, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ठीक है, और ये दोनों हाफ जो है एक दूसरे के फोटोकॉपी हो, मतलब आइडेंटिकल हो, तो इसको कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई थी प्लेटी हेलमिंथिस से, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथा ग्रुप से बायलैटरल सिमेट्री स्टार्ट हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटी हेलमिंथिस। एक सिलोम पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो प्लेटी हेलमिंथिस जो है ए सिलोमेट होते हैं, ए सिलोमेट मतलब सिलोम एब्सेंट होती है, सिलोम एब्सेंट, ठीक है, सिलोम मतलब कैविटी होती है, कैविटी नहीं पाई जाती है, तो ये इसमें एग्जांपल आते हैं आपकी प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, ठीक है। और एक आता है स्यूडो सिलोम, जो बहुत बार पूछता है, स्यूडो सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट जो है इसमें एग्जांपल आता है एसके हेलमिंथिस, एसके हेलमिंथिस,
एसके एल मिंथिस पूछता है सीडोसिलोम मतलब फाल्स सिलोम पाई जाती है, फाल्स वो ट्रू सिलोम नहीं होती है। और उसके बाद आता है सिलोमेट, सिलोमेट आपका एनिलिट से चालू हो जाते हैं जो उसके बाद कैविटी पाई जाती है एनिलिट से। तो सिलोम का भी यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल टू एक्सिबिट बायलेटरल, ये तो बता दिए, प्लेटी हेलमिंथियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमिक फादर सबको पता है कैरोलस लीनियस को कहा गया है। अब पहली बार टैक्सोनॉमी टर्म जो है दिए थे आपके कैंडले, डी कैंडले ने। तो जब भी पूछे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तीनों ने बुक लिखा था जिसमें डिस्क्रिप्शन किया था प्लांट के बारे में, ये सिस्टमा नेचुरलिस, इसकी वजह से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। फिर आ जाइए ये रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस, इस कैरेक्टर ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस, मेटामोरफोसिस मतलब होता है कि जो लार्वल स्टेज होती है उसमें एडवांस कैरेक्टर पाए जाते हैं इन कंपेरिजन टू एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में जब वो ओरिजिनल आती है तो वो एडवांस कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं, तो उल्टा इसमें प्रोग्रेशन चलता है, इसलिए इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामोरफोसिस कहते हैं। ये यूरोकॉर्डेट में पाया जाता है। स्मॉलेस्ट स्टेप वार्म ये आप रख लीजिए, स्मॉलेस्ट स्टेप वार्म आपका इकाइनोकोकस होती है। इकाइनोकोकस डिसीज़ भी बहुत कास्ट करती है, ह्यूमन में भी इकाइनोकोकस से डिसीज़ होती है, तो स्मॉलेस्ट स्टेप वार्म है इकाइनोकोकस। पेरीपेटस, पेरीपेटस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्लास पूछा है, क्लास इसका ऑन्कोफोरा होता है। और पेरीपेटस को ही कनेक्टिव लिंक कहते हैं बिटवीन एनिलिट्स एंड अर्थोपोड, ठीक है, एनिलिट्स और अर्थोपोड का कनेक्टिव लिंक भी कहा जाता है पेरीपेटस को, इसका क्लास है ऑन्कोफोरा। फिर है विच ग्रुप आविंग है एनिमल आर बिलोंगिंग टू सेम क्लास, सेम क्लास एक ही क्लास के एनिमल इसमें से कौन से हैं, तो इसमें से देखिए आपका डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रेब फिश, स्टार फिश, तो इसमें कुछ जो है अर्थोपोड है, कुछ फिश हैं, तो ये इसमें जो सही आंसर है ये आपका है ये, इसमें सारे अर्थोपोड इंसेक्ट हैं, ग्लोअर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेडबग, ये सब एक ही क्लास के हैं अर्थोपोड की, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्लास बाइवल्विया इज आल्सो कॉल्ड एज, बाइवल्विया का भी हमने एग्जांपल बताया था, यूनियो होता है बाइवल्विया को, और क्या कहा जाता है बाइवल्विया का अदर नाम है पेलीसाइपोडा, पेलीसाइपोडा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। इसका सेकंड पार्ट भी हम लेके आएंगे जो क्वेश्चन को ऑप्शन सहित हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एकदम फिल्टर करके ला रहे हैं, आपके कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम हो, टैक्सोनॉमी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रुकने ना पाए आपका। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर जेके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।